तुम कितना भी बोल दो ये टीचर दे दो, ये टीचर लगा दो, ये लेक्चर दे दो, ये लेक्चर करा दो, मैं करूंगा, मैं सब करूंगा, मैं करता रहूंगा, पर तुम तब भी सेलेक्ट नहीं होगे क्योंकि सेलेक्ट डिस्ट्रैक्शन है। अब देखो तुम्हारी बातें अब इस तरह की आ रही हैं कि मेरे पास डिस्ट्रैक्शन है और ऐसा है, ये प्रॉब्लम है। दुनिया में ना तीन तरह का बच्चा होता है। कितने तरह का बच्चा होता है? तीन तरह। दुनिया में ना सिर्फ तीन तरह का ही बच्चा होता है। मैंने अपने एजुकेशन करियर में, टीचिंग करियर में, फिर टीचिंग करियर के बाद जब बच्चों से ट्रैक करता हूँ, दुनिया में तीन तरह का बच्चा है। मैंने तीन बच्चों से बोला कि मुझे यहाँ बोर्ड जहाँ पे है, यहाँ एक बड़ी सी दीवार बनानी है। क्या बनानी है? मुझे यहाँ पे एक बड़ी सी दीवार बनानी है। सबसे पहले बच्चों को बुलाया, मैंने कहा चल बड़ी सी दीवार बना। पता क्या, बड़ी मेहनत लगेगी इसमें तो, अरे एक एक ईंट रखना पड़ेगा, करता हूँ, कर लूंगा। दूसरे बच्चों को बुलाया, मैंने कहा एक बड़ी सी दीवार बनानी है। ओ एक ईंट रखा है ऐसे, बोला टफ है पर मैं करूंगा, क्योंकि दीवार बनाने का मुझे टारगेट दिया गया है तो मैं पूरा करूंगा, मुझे जो टारगेट दिया जाता है मैं करता हूँ। फिर दूसरा ईंट रखा, फिर तीसरा, बोला हाँ पसीना आ रहा है पर मैं करूंगा क्योंकि ये टारगेट है। तीसरा बच्चा को मैंने बुलाया, मैंने कहा एक बड़ी सी दीवार बनानी है। उसने एक ईंट रखा, दूसरा ईंट रखा, बोला खूबसूरत भी बना दूं क्या? मैंने कहा खूबसूरत। तीसरा ईंट, चौथा ईंट रखा, बोला पेंट भी कर दूं क्या? मैंने कहा पेंट। बोला इसको सजा भी दूं क्या? मैंने कहा। बोला इसको दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी दीवार बना दूं क्या? मैंने कहा बना। अब आप सोचो आप इस तीन में से कहां पे, जिस तरह की आप चैट लिख रहे हो मुझको आप पहली कैटेगरी में लिख रहे हो। बड़ी मेहनतें कैसे करेंगे, नहीं हो पाएगा, ये तो नहीं कर सकते, अरे यार बड़ी दिक्कत है, सीमेंट मिल रही है कैसे लगाऊं, ईंट कैसे होगा, क्या होगा, कुछ हो गए तो दूसरी कैटेगरी पहुंच गए कि हाँ मेरा टारगेट है, करूंगा, मेहनत है कर लूंगा। क्या तुम तीसरी कैटेगरी में हो? क्या यार मेरे को आईटी जेई निकालना नहीं है, एडवांस को फोड़ के आना है मेरे को, क्या आप उस कैटेगरी में हो? या ऐसे ये बैग का बोझा लेके चले जा रहे हैं, आईटी निकालना है, पापा ने कोचिंग में एडमिशन दिला दिया, 4000 बैच का पैसा दिया, आईटी तो निकालना पड़ेगा, सब निकालते हैं, सेकंड से हो ना, सेकंड से थर्ड में आना पड़ेगा यार। जब जेई की तैयारी कर ही रहे हैं तो दुनिया में सबसे बेस्ट जेई की तैयारी क्यों ना करें अपन? तुम बताओ ना तुम्हें क्या चाहिए, तुम बताओ तुम्हें क्या कंटेंट चाहिए। मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये व्यक्ति तुम्हारे सामने इस बैच में खड़ा है, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं लाके दूंगा, पर तुम रैंक लेके आओ यार। आईआईटी नहीं तो एनआईटी मिल जाएगा, बराबर ही एनआईटी नहीं तो कोई गवर्नमेंट कॉलेज को मिल जाएगा, एक ही जैसे होते हैं तीन। क्या है ये, जीवन एक बार मिलता है, ये साल एक बार आता है यार, इसमें मचा के जाना है, जीवन में कुछ करके जाना है, कोई एग्जिस्टेंस है कि नहीं तुम्हारा? क्यों कर रहे हो आईटी की तैयारी, तो मत करो। मैं नहीं कहता फोर्स थोड़ी कर रहा हूं तुमको तैयारी करने के लिए, मत करो जीवन में कुछ और करो, पर जो करो ना यार आग लगा के करो, जीवन में मजे लेके जाओ, बोझ में मत करो, नहीं मने आईटी का मत करो यार, कुछ और करो, कोई और फील्ड जो करो, तुम आधार करो यार, जीवन मजा आना चाहिए, मुझे जीवन में मजा आता है। ये सब जो डिस्ट्रैक्शन बोले सब बहुत छोटी बातें हैं, बहुत छोटी बात है। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, बोलो मैं खड़ा हूं। इस वीडियो के एंड होने के बाद नीचे कमेंट में लिखना तुम्हें क्या चाहिए, कैसे तुम आईआईटी एडवांस्ड में, कैसे तुम एक्चुअल में 1000 रैंक के अंदर घुसोगे, मुझको ये लिख के दे, क्या चाहिए, क्या कमी रह गई मेरी तरफ से, मैं वो इंक्लूड कर दूंगा मैच। तुम्हें कौन सा टीचर चाहिए, तुम्हें कौन सा मटेरियल चाहिए, तुम्हें कौन सा टेस्ट चाहिए, तुम्हें दुनिया की जो चीज चाहिए वो मैं इस बैच के अंदर लाके दूंगा, तुम बताओ। तुम्हें क्या लगता है यार, टीचर सिलेक्शन कराता है? तुम्हें क्या लगता है सिलेक्शन टीचर से होता है? क्या लगता है तुम्हें सिलेक्शन तुम्हारी वजह से होता है? बटरफ्लाई देखा है? बटरफ्लाई देखा है? कहां से निकलता है बटरफ्लाई? बटरफ्लाई कहां से निकलता है? कोकून से। बटरफ्लाई कहां से निकलता है? कैसे निकलता है? तुम निकालते हो, हम निकालते हैं, कोई और निकालता है, कैसे निकलता है? खुद से।
बात समझ में आई। कितना भी बोल दो ये टीचर दे दो, ये टीचर लगा दो, ये लेक्चर दे दो, ये लेक्चर करा दो, मैं करूंगा, मैं सब करूंगा, मैं करता रहूंगा, पर तुम तब भी सेलेक्ट नहीं होगे। क्योंकि सेलेक्ट तुम तभी होगे जब तुम खुद अपने कोकून से बाहर निकलोगे। अगर मैं तुम बटरफ्लाई का ऐसे कोकून काट के वहां से बाहर बटरफ्लाई निकालू ना, तो अपाहिज बटरफ्लाई पैदा होगा। तुम जितनी स्पून फीडिंग होगे मैं वो भी करूंगा, पर यार जब तक तुम्हारे अंदर खुद आग नहीं लगी है ना, तब तक सिलेक्शन नहीं होने वाला।